सो इस विषय से साबका डीजीपी जेला शशिकांत जी साडे नाल जुड़ चुके ने। शशिकांत जी इस्तकबाल है, तुसी अपना कीमती समा सर साडे लई कढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, जिहड़े श्रोता हैगे ने उन्हां नूं बहुत बहुत सति श्री अकाल। शशिकांत जी, सब तो पहला मेरा सवाल यह है सर, लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके जिथे पंजाब दे विच वड्डी चर्चा सी, पर जेलां दी सुरक्षा च लग रही सन्नां नूं शशिकांत जी तुसी किवें देख रहे हो, तुहाडा तजर्बा की कहिंदा है? देखो, मेरा तजर्बा तो काफ़ी पुराना हो गया है। 2012 के विच मैं नौकरी तो बाहर आ गया सी, पर उसके बाद भी मेरा लगातार संपर्क जड़ा है, जड़े अफसर वगैरह है उन्होंने नाल रहा है। मनु ने जापता कि जेल की हालत के कोई टेंजिबल सुधार होया है वो उस तरह ही जिस तरह पहले, क्योंकि जेडे भी रिफॉर्म्स असी प्रपोज किए सन, मनु नहीं लग्या है, मनु मेरे को इनफॉर्मेशन नहीं हैगी उन सुधारों के एक भी जरा प्रपोजल हैगा एक्सैप्ट किया गया। जिस तरह असी कहा कि जेल स्टाफ जोड़ा है उन्होंने लगातार रोटेशन होना चाहिए है, पैरीमीटर सिक्योरिटी, आउटर पैरीमीटर, इनर पैरीमीटर, तो अलावा जोड़े कर्मचारी है तो जोड़े जेल के अपने बंदे है उन्होंने उत्ते भी एक कोई CCTV राही या किस तरीके दे नाल नज़र रखी जा सके। जेलां जिहड़ी हैगियां ने अज की तरीक च शहर के विचकार आ गई ने, टॉसिंग ओवर दी वॉल जिहड़ी हैगी बड़ी मामूली घटना हो गई हैगी है। और उस कुछ दिन पहले मैं पढ़िया सी, कल परसों ही आया सी कि कोई कैदी हैगा है वो नवे नवे तरीके लभदे हैं किस तरह अंदर ले जाना हैगा है। एक जिहड़ी सॉफ्ट बॉल हुंदी हैगी है जिहदे नाल टेनिस खेलिया जांदा हैगा, उन्नू कट के उहदे विचकार मोबाइल ते तारां तूरां पा के अंदर ले गए सी, ते इह ते स्टेट ऑफ अफेयरस हैगी है जिहड़ी जेलां दी सुरक्षा हैगी है, उन्हां दी जिहड़ी मोनिटरिंग हैगी है। तो एक शब्द एक लाइन च जिस तरह मैं कहा, मनु नहीं जापता कि जेलों की कंडीशन हैगी उहदे च कोई खास सुधार होया हैगा। ड्रग्स भी हैगियां ने, गैंगस्टर गैंगस गैंग भी हैगे ने, अंदर मारकुटाई भी होंदी हैगी है, सब कुछ होंदा है जेलों के अंदर। दुनिया जिस तरह पहला सी वह हुण भी उस तरह ही हैगी है। शशिकांत जी, इसनों काउंसलिंग की घाट समझिए जां जेल प्रबंधन की घाट समझिए? देखो, संगरूर दे विच अमनदीप नां दे नौजवान ने अपनियां बाहां ते कट मारे, जख्मी हालत में उसनों हस्पताल च भर्ती करवाया गया, पर सवाल सर यह है कि जेलों च सुखावां माहौल बनाउणा किवें मुनासिब समझिया सी? कि जेल मैनुअल दे विच चेंज करन दी जरूरत है, जो सरकारां नूं होर सुधार करन दी जरूरत है, जां जिस हिसाब नाल रिकवरियां हो रही ने उन्हां दे मायने तां सानूं पता नहीं सर, क्योंकि जैंबर लगाउण दी चर्चा पंजाब दे कई दहाकें चल रही है कि पंजाब दीआं जेलां किवें टावर मुक्त होण, किवें उन्हां नूं जेल जैंबर लगाया जावे, पर सर सब तो वड्डा सवाल यह है कि काउंसलिंग की घाट है जां जेल प्रबंधन की घाट है? बेसिक घाट जी है मनु जापदा है पोलीटिकल विल जी है। जेल के अंदर कई बार जिस तरह है बड़े सीरीयस क्राइम किए हुए बंदे भी जाते हैं, मनु पता है पहले जेडे जेल के अंदर कोई इस तरह के बंदे सन उन्होंने किस तरह कोशिश होंगी सी पूरी फैसिलिटी देने की, तो उन्होंने जेल के अंदर बैठे बैठे ही इस्तेमाल कर ए जेल तो बी जेल भेज दिता, उत्थे कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हैगा उन्हें प्रॉपर्टी धमका धमकू के फोन के उत्ते ही रिलीज़ कराना हैगा। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स गो ऑन। तुसीं गल कीती मैनुअल दी, ओके, मैनुअल दे उस विच सुधार की लोड़ हैगी है, जैसे पंजाब पुलिस दे मैनुअल सी उहदे विच सुधारिया गया, पर की पंजाब पुलिस की हालत दे विच कोई सुधार होया? तुसीं मैनुअल जिन्नी भी चेंज कर लियो, पर गल उही आ जाती हैगी है उहदा प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, पोलीटिकल विल, वो सारी चीज़। पोलीटिशियंस की कोशिश होंगी हैगी आम तौर पर कि जेडे इस तरह के अपराधी है उन्होंने अपनी गुडविल के रखा जा सके, ताकि उन्होंने इस्तेमाल कदे इलेक्शन हो सके या प्रॉपर्टी खाली कराने हो सके, लोगों को धमकाने ले हो सके। क्वेश्चन उही आ जाता है कि उस जिन्हों असं कहते हैं जो एक्ट हैगा वो इन बिन पालना, पोलीटिकल विल, जो पोलीटिकल विल आ जाती हैगी तो जेलों के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं चाहे किसी भी रैंक के होन, IPS के है, नॉन IPS है, वट एवर, वो सारे एक रात आ जाते हैं। देयर इज नीड फॉर अ स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड ऑफ अ स्ट्रिक्ट पोलीटिकल विल। शशिकांत जी, असं देखिए कि देखो रिकवरियां नहीं रुक पा रही, कई जेलों च आर्मड फोर्सिज की तैनाती हुई है, पर मुख्य सवाल सर यह है कि रिकवरियां ना रुकण दे मायने की ने, कि जेल दा अंदरला अमला उसनू दोषी समझिया जावे, जा एने ज़्यादा चलाक गैंगस्टर हो चुके ने, एने ज़्यादा
चलाक वो नौजवान हो चुके ने जिन्होंने सुधार कर भेजा गया कि वह चकमा दे के चीज़ा अंदर लै आते हैं जेल के जिम्मेवार कौन है। देखो दोवें गल्लां हैगियां ने, पहली गल तो मैं कहिंदा हैगा कोई चाहे गैंगस्टर हैगा कोई किन्ना खूंखार अपराधी हैगा उन्हां नूं कंट्रोल करना कोई औखा काम नहीं हैगा। अपनी सारी जिंदगी जिहड़ी मेरी रही हैगी पुलिस डिपार्टमेंट दे नौकरी दे विच मैं कदे किसी थां ते जाके लोकां दा ट्रांसफर नहीं कीता। मेरा हमेशा टीचा इक्को ही रहा सी जिहड़ा बंदा जिथे हैगा उहनूं उत्थे ही सैट करके उहदे कोलों सही काम कराओ, इह हुंदा हैगा सुपरविजन। और जेलों के कह दौ चाहे जेलों के बाहर तुसी कह दौ जे एक बंदा एक थां ते 10 वरे 15 वरे 20 वरे बैठा होया हैगा घुम घुमा के फिर उत्थे आ जांदा हैगा अपना पोलिटिकल ते एडमिनिस्ट्रेटिव कर जुगाड़ ला करके उन्हां दे लिंक्स ते बनी जांदे हैगे ने। हर एडमिनिस्ट्रेशन दे विच हुंदा है रोटेशन ऑफ पोस्टिंग जिहड़ी हैगी ने इंपॉर्टेंट हैगी ने, वरना एक दे विचकार बैठे बैठे एक थां ते लिंक्स ते बन जांदे ने। और यस तुसी गल कीती कि चलाकियां आ गई ने जिहड़े अपराधी हैगे ने, हाँ तुसी मैं की कहा तुहाडे च एक सेंटेंस करना तुसी अपनी लेट योर इमेजिनेशन गो टोटली वाइल्ड, बिल्कुल तुहाडी जिन्नी इमेजिनेशन हैगी तुसी उहनूं खुला छड्ड दिओ। वो सारे तरीके दे नाल हर तरीके दे नाल ओ जेलां दे विच ले जाणा हैगा, ओ पुलिस दे कोलों पुलिस दे नालों एक कदम अगे ही रहिंदे हैगे ने, पिछे नहीं हैगे ने, पर उहनां नूं कंट्रोल कीता जा सकता है ओनली विद स्ट्रिक्ट सुपरविजन प्यार हर चीज़। जेलों के मैं नहीं कहता कुटमाई होनी चाहिए है, असी जदों मैं थी उत्थे मैं कंप्यूटर सेंटर खोले उन्होंने एजुकेशन का काम किया उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग दी उन्होंने जोड़ा हैल्थ का सोचा हैल्थ का इंतजाम किया हर चीज़ की सी। पर उही चीज़ है कि तुसी खूंखार तो खूंखार अपराधी ने भी प्यार दे नाल समझा सकते हैं, हाँ कुछ है ने नहीं समझते हैं तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहिए है। पर हर बंदे नू प्यार दे नाल साम के बट अपनी अखां खोल के ए नहीं कि प्यार करदे करदे इन्ने असी मसरूफ हो गए उहदे विच कि असी चंगे ही चंगे रहना हैगा। दुनिया दे हर किस्म दे इंसान हैगे ने, चंगे भी हैगे ने माड़े भी हैगे ने। शशिकांत जी इस विषय ते जे असी एक मुख पहलू तो चर्चा करिए ता पोलिटिकल विल दा तुसी जिक्र कीता अपने शब्द दे विच, पर की पोलिटिकल इंटरफेरेंस ठोस पॉलिसियां ना बनाउण दे विच कोई मुख भूमिका निभाउंदी है सर? क्योंकि जिहड़े क्रिमिनल बाहर क्राइम करदे है बाहर घूमदे है किसी की सियासी शह ते घूमदे है जां जदों उह जेल जांदे है जेल यात्रा उहनां दी शुरू हुंदी है फिर थापड़ा भी तां शुरू हुंदा होएगा ना जिस हिसाब नाल कंट्रोल जेल च हुंदा है। बिल्कुल ठीक तुसीं कहा, देखो पोलिटिकल विल ते पोलिटिकल इंटरफेरेंस दोवें चीज़ें है टोटली वक् वक् है। पोलिटिकल विल कह दो एडमिनिस्ट्रेटिव विल कह दो इहदा मतलब हैगा है कि जिहड़ा कानून हैगा ब्रॉडली तुसीं कह दो रूल ऑफ लॉ कानून दे हिसाब दे नाल पूरी स्ट्रिक्टनेस दे नाल ईमानदारी दे नाल उहदा इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए हैगा है। ते दूजा हुंदा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस हमेशा सही नहीं हुंदा हैगा। आम तौर ते जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कि एक जेल सी उस जेल तों सिफारशां आउंदियां दूजी जेल भेज दिओ और जेल दे विच उन्हां नूं पूरी फैसिलिटी दे दिओ, तुहानूं सुन के हंसी आएगी कि दुख होएगा मैनूं नहीं पता ये भी सिफारशां आंदी सी कि उन्हां दे लई स्पैशल खाना बनवा दिओ उन्हां दी जिहड़ा बैरक हैगा उहदे चंगा कूलर लवा दिओ जे उन्हां नूं वक् बंद कीता गया हैगा उन्हां दे लई टीवी लवा दिओ फ्रिज लवा दिओ। होर ते होर एक वारी यह भी सिफारिश आई सी कि किसी कैदी दे लई जिहड़ा कि उत्थे बंद सी उहदे लई जी एसी लवा दिओ गर्मी बड़ी पैंदी है। यह हैगा इंटरवेंशन, यह हैगा उहदे च खुर्द बुर्द करना पूरे सिस्टम नूं, वरना ठीक है जिहड़ा जेल मैनुअल हैगा उहदे सुधार की लोड़ हैगी पर तुसीं सुधार करो या ना करो। अब कानून अंग्रेजां दे विच आईपीसी सीआरपीसी अंग्रेजां दे जमाने च बने सन हुण चले हैगे ने, यस क्योंकि उन्होंने इंप्लीमेंटेशन से ठीक करोगे तो ठीक करोगे तो आईपीसी चेंज कर दो सीआरपीसी चेंज कर दो, पर सिर्फ चेंज करने के नाल तो यह नहीं है कि सिस्टम जोड़ा है पूरा ठीक हो जाएगा। पर शशिकांत जी इतने भी थोड़ा जोड़ा जवाब सी बहुत मतलब कि चिंताजनक विषय है कि हाँ बड़े बड़े फोन जरूर आते कि ए सी लगवा दौ टीवी फ्रिज लगवा दौ तमाम सहूलत दे दौ, पर सर सवाल यह है ना जो सहूलत असं किसी कैदी देवे तो उन्हें तो फिर सरकार का जवाई बन के रहना ना जेल दे विच उसनू कोई चिंता कोई चिंतन थोड़ा होएगा, फिर तो विगाड़ घर बननी है असीं इसनू सुधार कर तो नहीं मन सकते
क्योंकि खौफ तो होवे ना भी बंदा भाई जेल च जा रहा है, चार महीने कटने पै सकते ने, कोई सहूलत नहीं होएगी। देखो जी, इस सुधार घर जिहड़ा ना हैगा दिता गया सी, पर जिहड़ा तुसी किया हैगा सुधार घर जिहड़ा कट हैगा, थापड़े उत्थे ज्यादा पैंदे ने जे तुसी किसी अफसर दे नाल या किसी पॉलिटिशियन दे नाल या किसी होर इन्फ्लुएंशियल बंदे दे नाल तुसी जड़े हैगे हो, थापड़े मिलणगे, सब कुछ होएगा। और जिहड़े उहदे विचकार ए भी हैगा विगाड़ कर भी हैगा, नो डाउट अबाउट इट। अब तुसी एक नौजवान बच्चे नूं या इस तरह दे व्यक्ति नूं जिहदा कि पूरा पिछोकड़ बिल्कुल साफ हैगा, उन्हें कदे कोई जुर्म नहीं किया, उन्हें तुसी जेल दे विच भेज दिओ जिथे कि हार्ड क्रिमिनल्स भी हैगे ने। और तुसी जदों बाहर आएगा देखो जिहड़ा नौजवान हैगा, बच्चा हैगा, इंसान हैगा जिहदा कि कोई पिछोकड़ नहीं हैगा क्राइम वल, वो भी एक हार्ड क्राइम क्रिमिनल बन के लग जाएगा। और एक होर गल दस्सदा दुनिया भर दे विच हैगा कि जिहड़े वड्डे क्राइम हुंदे हैगे ने ये सारे जेल दे विच बैठ करके ही कई बारी बनते हैं। बिल्कुल। और तुसी पढ़िया हैगा सुनिया हैगा जेलां दे विच ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰ। ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਡਿਕਸ ਵਾਇਰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਊਟ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਡਾਊਨ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਆਊਟ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ